घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मोदी जी का सिपा सलार माना जाता है, लेकिन एक शख्स और भी है जिसके बिना मोदी जी का राजनीतिक सफर पूरा कभी नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश माथुर की, जो कि गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक मोदी जी के राजनीतिक सफर के साथी रहे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। माथुर चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने देश भर में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे तो उन्होंने हिंदुत्व एजेंडे के विकास की ओर रुख कर लिया। इसके बाद 2012 में मोदी ने गुजरात में दोबारा से खुद को मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल की कल्पना की, जिसने उन्हें 2014 में पीएम रेस का दावेदार बना दिया। इन सभी सियासी रणनीतियों में नरेंद्र मोदी के बाएं हाथ और आरएसएस के पूर्व प्रचारक ओम प्रकाश माथुर ने बखूबी उनका साथ दिया। नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश की मुलाकात 70 के आखिरी दशक में हुई थी, तभी से दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि तब हम दोनों आरएसएस में एक ही पोजीशन में थे। वे 1986 में बीजेपी में शामिल हुए और मैं 2.5 साल बाद। हम दोनों ही आरएसएस कैंप और बीजेपी की ट्रेनिंग में साथ साथ रहे। हमारे बीच अच्छे संबंध है। देश भर में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले ओम माथुर ने 2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को गद्दी से उतारकर उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2014 में उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र का किला फतह कराया था और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। नरेंद्र मोदी जानते थे कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए दिल्ली का रास्ता यूपी से पार करना जरूरी है, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी को ओम माथुर के हवाले किया गया, जहां एनडीए ने 80 में से 73 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। वे जातिगत गणित, सोशल इंजीनियरिंग और मतदाताओं के गणित में माहिर माने जाते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।